चलो मैं आपको वंदे भारत की स्टोरी सुनाता हूं, सुनना चाहोगे? वर्ल्ड की सबसे जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स में से एक मशीन है ट्रेन। क्यों मशीन इतनी कॉम्प्लेक्स है वो? कोई साइंस वाला स्टूडेंट है यहाँ पे, या इंजीनियरिंग का साइंस वाला? हाँ, क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि आप सोचो, एक पावर प्लांट को, पावर जनरेशन के जो प्लांट होता है, बैठो, बहुत बड़ा जो पावर जनरेशन प्लांट होता है, उसको आपको 180 किलोमीटर्स की स्पीड पे दौड़ाना है। अरे भाई, पावर जनरेट करने वाला प्लांट ही अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, जनरेटर तो देखा होगा ना अपने, अपनी कॉलोनी में देखा होगा, जो नॉन साइंस वाले उनको मैं पूछना चाहूँ तो, कितना वो आवाज करता है बड़ी सी, और बड़ा सा होता है उसमें खूब, राइट? सोसाइटी के पास देखा होगा ना जनरेटर तो। अब सोचो, उस जनरेटर से 4, 5, 6, 7 गुना कॉम्प्लेक्स कोई चीज है, उसको चलाना है 180 km/h की स्पीड पे। 180 km/h, वही कितने लोगों ने अपने, कितने लोग बाइक चला के आए यहाँ पे? मेट्रो, मेट्रो अच्छी है। मेट्रो कितनी स्पीड पे दौड़ती है? 80, 70। कार को अगर आप 100 की स्पीड पे चलाओ, कितना उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कभी कभी कार चलाते हैं 100 से ज़्यादा चलाते हैं हाईवे पे जाने के टाइम में, या फिर फॉर्मूला वन रेसिंग तो देखी होगी वीडियो पे, क्या स्पीड आती है, मज़ा आता है ना। अब इसको 180 km/h की स्पीड पे चलाना, इट्स रियली कॉम्प्लेक्स, आई मस्ट टेल यू। हाउ डू वी मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रेल? कैसे उसको, कैबिन को मेंटेन करना है, कैसे एरोडायनामिक्स को मेंटेन करना है, किस तरह से एक एक चीज की ध्यान रखना पड़ता है। ब्रेक लगाना हो अचानक, अगर 180 की स्पीड पे अचानक ब्रेक लगाना हो तो वो कैसे लगेगा, उसको स्पीड को पहले से स्लो करना हो कैसे होगा, इट्स रियली कॉम्प्लेक्स। तो जब मोदी जी ने 2017 में रेलवे की पूरी टीम को टारगेट दिया कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, सबसे पहले हमारे लोगों ने क्या किया, सोचो, एयरलाइन का टिकट खरीदा, एरोप्लेन का टिकट खरीदा। चलो भैया जर्मनी चलो, चलो जापान जाओ, चलो फ्रांस जाओ, उठा के लेके आ जाते हैं ना, वर्ल्ड क्लास ट्रेन लानी है। मोदी जी ने कहा वर्ल्ड क्लास ट्रेन लानी है, ये थोड़ा ना कहा कि कुछ और करना है। वर्ल्ड क्लास ट्रेन तो कहाँ मिलती है? वर्ल्ड क्लास ट्रेन मनी, यूरोप चलो, जापान जाओ, जाओ फ्रांस। गए ऑफिसर्स हमारे, हम लोग सब जाते हैं, गए, बड़े बड़े ब्रोशर्स उठा के लाए, उस कंपनी से मिले, इस कंपनी से मिले, सबसे मिले, मिल मिला के इतना इकट्ठा बड़ा प्रेजेंटेशन लेके आ गए। मोदी जी के सामने लेके आए प्रेजेंटेशन सारा, सब इस ट्रेन में ये फीचर्स है, इस ट्रेन में ये फीचर्स है, ये ऐसी अच्छी है, ये 20 साल से चल रही है, ये वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जम के अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस किए। मैं स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं आपको, ये रियल है, रील्स नहीं है, रियल है, कि आपकी जनरेशन के लिए कैसी फाउंडेशन तैयार हो रही है, आपकी जनरेशन के लिए कैसा एक देश तैयार हो रहा है, वो आपको जानना जरूरी है। जब वो सारे प्रेजेंटेशंस हुए वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स के मोदी जी के सामने, सोचो मोदी जी ने क्या कहा होगा, बहुत अच्छा है ऐसा कहा होगा, चलो लेके आओ ऐसा कहा होगा। पहले तो कहा था कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन लेके आओ, तो लेके आ गए भी हम ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन, क्या कहा होगा सोचो, गेस करो। मोदी जी ने कहा अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन लेके आए हो भैया, लेकिन ये नहीं चलेगा। एकदम थम्स डाउन हो गया, कुछ नहीं चलेगा ये। तो फिर क्या करें भाई,
ये नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, कैसे करें? मोदी जी ने कहा, मेरे हिंदुस्तान के इंजीनियर्स, मेरे हिंदुस्तान के टेक्नीशियंस, मेरे हिंदुस्तान के वेल्डर्स, मेरे हिंदुस्तान के इलेक्ट्रीशियंस वो डिजाइन करेंगे, और जो ट्रेन डिजाइन होगी वो वर्ल्ड क्लास ट्रेन होगी, दुनिया को जीतेगी। एक जज्बा ही अलग है। साथियों, आप सब मेरे नौजवान साथियों, मेरे इस देश के भविष्य हो, देश को जो बिल्ड करने का जज्बा होता है, सोसाइटी को आगे ले जाने का जो जज्बा होता है, कंट्री को एक स्ट्रांग फाउंडेशन देने का जो माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट अलग होता है। उस माइंडसेट में रिस्क लेने की क्षमता होती है। उस माइंडसेट में बड़ी से बड़ी चीज को, बड़े से बड़े चैलेंज को लेने का एक अंदर जज्बा होता है। उस माइंडसेट में ये होता है, बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी आएंगी, उसको हम फेस करेंगे। कितनी भी डिफिकल्टी आए, हिम्मत नहीं हारेंगे, और जो अपना गोल है उस गोल को अचीव करके ही रहेंगे। ये माइंडसेट होता है देश को बिल्ड करने का। 2017 में स्टार्ट हुआ वंदे भारत पे काम। बहुत चैलेंजेस आए, आसान नहीं था। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को डिजाइन करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना आसान नहीं था। लेकिन 2019 की जनवरी में पहली वंदे भारत निकली, और उसके बाद में दुनिया भर के ट्रेन मैन्युफैक्चरर्स ने इतने हिल गए कि उनकी कोशिश रही कि उसके बाद में फिर से कभी ट्रेन ही ना बने। लेकिन आपकी जब फाउंडेशन तैयार करनी है, आप लोगों के लिए देश को अगर तैयार करना है, हिम्मत हारने वाले लोग नहीं है, जज्बे वाले लोग हैं। कितनी भी डिफिकल्टी लेके आए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, मोदी जी ने कहा, नहीं अब चालू करो। पहले टेस्ट किया उसको 1.5 साल, ह्यूमन एंगल है, इतने लोग, लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, तो उसकी टेस्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होनी पड़ती है। टेस्टिंग हुई, जो चेंजेस करने थे चेंज किए। आप सोचो, जो पहले दो ट्रेन बनी, उन ट्रेन्स ने बिना रिप्लेसमेंट के, कोई मशीन होती है खराब होती है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, मेंटेनेंस के लिए रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन बिना रिप्लेसमेंट के करीब करीब दुनिया के 18 चक्कर लगे, पूरी दुनिया के, पूरी जो अर्थ है, साइंस वाले 2πr पेरीमीटर कम है, कोई नहीं, साइंस अच्छी जगह, साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, साइंस को कभी इग्नोर नहीं करना। लिटरेचर भी बहुत अच्छा है, साइंस से भी ज़्यादा अच्छी है। तो 2πr राइट, अर्थ के चारों तरफ घूमो, उसके 18 चक्कर के आसपास लगाया, और उसके बाद में टेस्ट कंप्लीट हुए सारे, अच्छी चली, अब इसको सीरियल मैन्युफैक्चर करो। लेकिन बहुत अच्छी बन गई साहब ट्रेन, ऐसा करके सबके सब लोग गए, बहुत अच्छी बन गई, अब तो इसी को प्रोड्यूस करते हैं। आप में से, आपके अभी CGPA होता है या क्या होता है, परसेंटेज होता है? CGPA होता है ना, कितने में से होता है अभी? 10 में से ना। तो जब 7 आता है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और अच्छे लाओ, 7 कम है, 8 लाओ। 8 आता है तो क्या बोलते हैं? 9 लाओ। 9 आता तो भी 10 लाओ, 10 भी ले आओ तो भी। हमारे बॉस भी ऐसे ही हैं, हमारे बॉस भी ऐसे ही हैं। मोदी जी, कुछ भी काम करो,
इतना किया साहब, अच्छा है इतना करो, अच्छा है इतना करो। कभी कभी हम रूफ की तरफ देखने लग जाते हैं। पीएम साहब ने कहा अच्छी है ट्रेन, इसको और अच्छा करो, और अच्छा करो। लेकिन तब तक एक कॉन्फिडेंस आ गया था टीम में। पीएम साहब ने जो कमिटमेंट दिखाया, मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिखाया कि हाँ अपने इंजीनियर्स डिजाइन कर सकते हैं, तो टीम में भी एक कॉन्फिडेंस आ गया था। तो अब क्या चैलेंज लिया कि जो यूरोप में डिजाइन के पैरामीटर्स होते हैं, एक वर्ड होता है टॉलरेंस, राइट, मार्जिन ऑफ एरर। यूरोप में अगर 3 मिलीमीटर होता है तो इस ट्रेन में हमें मार्जिन लेना चाहिए 1 मिलीमीटर से भी कम। बहुत मुश्किल है, ये क्या बात हुई, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा जो आपने इस वीडियो में भी देखा, ट्रेन में बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल झटके नहीं, एकदम आराम से बैठ सकते हो। पानी की ग्लास को अगर खड़ा रखो, वहाँ रखो, तो पानी की ग्लास हिलती तक नहीं है। और नॉइज लेवल, एरोप्लेन में बैठे हो, कितने लोग बैठे हैं, कम है। अब आगे वाली जनरेशन तो बहुत बैठने वाली है, तो एरोप्लेन में जो नॉइज लेवल होता है ना, उस नॉइज का भी 100th time नॉइज लेवल ट्रेन के अंदर। मतलब क्लास, मैथ की क्लास में जैसी साइलेंस होती है ना, केवल टीचर बोलता है, बाकी सब दिमाग बंद करके स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, मैथ की क्लास की साइलेंस होती है, वैसी साइलेंस इस ट्रेन के अंदर। इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, इतना बड़ा चेंज आ रहा है, सोसाइटी को, देश को, आपकी जनरेशन के लिए एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट की जा रही है जिससे कि आप लोग जब अपने करियर्स में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपको एक डेवलप्ड कंट्री का फाउंडेशन मिले, एक डेवलप्ड कंट्री में रहने का मौका मिले, और इस कंट्री को और भी डेवलप्ड बनाने का जज्बा आप लोगों में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट।